नमस्कार बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपने सभी इलेक्ट्रोहोमोपैथिक प्रेमियों का स्वागत करता हूं। और आपको याद दिला दूं कि अगर अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें, क्योंकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की सबसे अच्छी और सुलभ जानकारी आपको हमारे ही चैनल पर मिल रही है। हालांकि बहुत से क्लास यूट्यूब पर इलेक्ट्रोहोमोपैथी के संदर्भ में चलने लगे हैं, लेकिन आप सबकी बढ़ती हुई मांग, आप सबके बढ़ते हुए कमेंट्स मुझे बार बार अपने इस चैनल पर आपके बीच आने को बाध्य करते हैं। तो ये आप सबकी चाहने की एक लकीर है जिस पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, और यही इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रगति की सबसे अच्छी समीक्षा भी कही जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सी ग्रुप के मेडिसिन के क्रम में चल रहे हैं, और आज सी ग्रुप की ओरिजिनल मेडिसिन में अंतिम मेडिसिन C17 यानी C17 या कैंसरेशो 17 जिसको CTVT भी कहते हैं। C17 में जो अन्य पौधों के अलावा, यानी जो सी ग्रुप में पौधे लगाए गए हैं जिसमें कोनियम मैकुलेटम है, पिंपलेना सैक्सीफिग्रा है, रस्टॉक टॉक्सिडेंड्रॉन है, बिनसिटोकॉक्सिकम ऑफिसिनेलिस है, इसके अतिरिक्त दो पौधे इसमें नए मिलाए गए हैं जिनको हम कहते हैं रस ट्रेमुलेडोइटिस और पापलस ट्रेमुलोइटिस। ये दो पौधे इसमें विशेष रूप से हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक हर अंगों को प्रेरित करने का एज ए कैटलिस्ट कार्य करते हैं। हम कह सकते हैं कि C17 हमारी यूरिनरी सिस्टम, कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम, यानी जहां पर हम किडनी ले लें, यूरेथ्रा ले लें, यूरिनरी ब्लैडर ले लें, हम इन सारे अंगों पर C17 का प्रभाव बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। बच्चा सोते सोते बिस्तर पर पेशाब कर देता है, या बड़ा कोई व्यक्ति या बीमार व्यक्ति जिसको पेशाब लगी हुई है, यूरिन पास करना है, और वो अपनी उम्र के चलते या उसकी तंत्रिकाओं में इतनी शक्ति नहीं रह गई कोई यूरिन के को रोक सके कुछ देर, और बिस्तर पर पेशाब छूट जाता हो या उसके कपड़ों में पेशाब छूट जाता हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए C17 एक जादू की औषध का कार्य करती है। लेकिन C17 यहां पर हम अकेले नहीं देते हैं, हम इसको S6 और S2 के साथ या C2 या C10 के साथ मिला करके देते हैं, वो अलग अलग एक्सपीरियंस में अलग अलग कंडीशन पर दी जाती है। पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रही है, पेशाब पानी पीने के बाद भी पेशाब में जोर लगाना पड़ रहा है और पेशाब में जलन हो रही, रुक रुक के पेशाब निकल रही है, तो C17 देने से आशाचित लाभ होता है और यूरिन का पास होने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। किडनी में कोई इन्फेक्शन है, ब्लड ठीक से साफ नहीं हो पा रहा और साफ होने के बाद ब्लड का कंसंट्रेशन बना हुआ है, तो वहां पे हम C17 का प्रयोग करके ब्लड के कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी कही जाती है, यानी डायबिटीज के रोगियों पर हम C17 के प्रयोग करके उनकी डायबिटिक कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि अगर C2 और C6 के साथ हम इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मान लें C17 को, तो C2 या C6 के साथ जैसे ही हम S6 जोड़ते हैं और C17 का प्रयोग करते हैं तो पूरा का पूरा हमारा यूरिनरी ब्लैडर स्वतः खाली होने के लिए मजबूर होता है। हमारी तंत्रिकाएं, जैसा हम ये देखें कि इसका काम कहां पर है, किन तंत्रिकाओं पर, तो हम कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, यूरेथ्रा पर, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व के सारे न्यूरॉन्स पर ये प्रभावी है। इसको एंटी डायबिटिक या एंटी पायरेटिक मेडिसिन भी माना गया है। पेशाब की मात्रा जितनी बॉडी से बाहर जाएगी उतने ही हमारे बेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर जाएंगे, तो जो भी कुछ ऐसे मटेरियल जो हमारे भोज पदार्थों से हमको मिल गए हैं या हमारे पेय पदार्थों से मिल गए हैं और ब्लड में जाकर के वो अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए C17 एक लाभकारी औषधि है। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में अगर फालिज या लकवा मार्ग, कभी कभी ऐसे केस आते हैं कि बॉडी के
आधे पोर्शन पर या पूरे पोर्शन पर अगर फालिस का अटैक है या लकवा का अटैक है, तो यूरिनरी ब्लैडर पे भी अगर इसका अटैक आ गया है तो वहां पे C17 देने से यूरिनरी ब्लैडर अपने मुख्य रूप से कार्य करने में कुछ अधिक सक्षम हो जाता है और यूरिन पास लगातार होती रहती है। ये एक्सपीरियंस में आया है। हमें देखते हैं कि किसी भी फालिज मारने वाले पेशेंट को या लकवा वाले पेशेंट को हमको C17 परमानेंट देनी पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए आधे पोर्शन में उसको लकवा लग गया है या फालिज मार दिया है या पैरालिसिस का अटैक उसको हो गया है, तो आधे पोर्शन में आपका यूरिनरी ब्लैडर भी आ जाता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर पर भी पैरालिसिस का अटैक हुआ है, वहां की तंत्रिकाओं पर उसका प्रेशर पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम C17 जब या 6 के साथ देते हैं, C2 के साथ देते हैं, L3 के साथ लगाते हैं, तो C17 देते ही यूरिनरी ब्लैडर अपने कॉन्स्ट्रक्शन को जो कि सिकुड़ने लगता है उसको फिर वो पंप करके सीधा कर देता है, यानी वहां पे शिथिलता समाप्त कर देता है और अपने फंक्शन को प्रॉपर कर देता है। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित किसी भी रोग में बराबर लाभकारी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुढ़ा हो, सभी में C17 के अलग अलग रोल अलग अलग स्टेज पे अलग अलग उम्र में होते हैं, इसलिए अलग अलग उम्र की अलग अलग डोज भी होगी। डायलिसिस के रोगी को, जहां पर किडनी का फंक्शन बहुत स्लो हो गया हो, डायलिसिस पर के रोगी को भी हम C17 के साथ कुछ हद तक नियंत्रित कर ले जाते हैं। ये सब एक्सपीरियंस की बातें हैं। आप किसी रटी रटाई डोज पर या किसी रटे रटाए फार्मूले पर कार्य नहीं कर सकते। धीरे धीरे रोगी के कंडीशन को देखते हुए आप दवा को देंगे तो आपको निश्चित रूप से इन रोगियों पर लाभ मिलेगा, विशेष करके उन बच्चों को, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो पेशाब बच्चे कर देते हैं बिस्तर पर, छोटे बच्चे उनको, और या 10 साल से ऊपर के लोग भी अगर इस तरह का शिकार होते हैं तो उनको C17 या 6 और C6 देने पर पूरा लाभ होता है। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के कुछ लाइनों को एक बार सफलतापूर्वक देखूं तो मुझे लगता यह है कि C17 एक कंप्लीट मेडिसिन है एक्सक्रेटरी सिस्टम की, जिसमें हम शरीर से वे पदार्थ जो हमारे लिए हानिकारक हैं उनको निकालने का एकमात्र तरीका हमारा यूरिन है। तो यूरिन के माध्यम से हम इसको शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं तो C17 की मात्रा हम 10 बूंद से लेकर के 20 बूंद तक अलग अलग स्टेज पर जैसे ही पानी में मिला करके देते हैं या डिस्टिल्ड वाटर मिला के देते हैं तो रोगी उसको लाभ होता है। तो मैं समझता हूं कि सी ग्रुप की मेडिसिन का आज यहीं पे हम समापन करते हैं और अब नंबर आएगा हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन की ग्रुप जो है वो है पी ग्रुप। पी ग्रुप हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन की ग्रुप है। हम पी ग्रुप में अब आगे प्रवेश करेंगे, यानी पेट्रियोलो ग्रुप में, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा इंतजार। आज हमने समाप्त किया है सी ग्रुप। अब कल या नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे पी ग्रुप के साथ। पी ग्रुप में हमारी 4 मेडिसिन है, P1, P2, P3 और P4। तो हम दो दो मेडिसिन को जल्दी से दो ग्रुप खत्म कर लेंगे और बहुत जल्द हम F ग्रुप, वर्ल्ड ग्रुप और A ग्रुप की मेडिसिन पर भी आपसे चर्चा करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पर चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की कार्यप्रणाली को जानने के लिए अभी आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार में ही एक बहुत अच्छा आनंद है। तो इंतजार करते रहिए हमारे अगले क्लास का आनंद लेने के लिए। इंतजार करते करते हमारे फोन नंबर को याद करें, 9793252355। हमारा फोन पे नंबर है 9450563748। हमारा पेज का जो शीर्षक है वो है डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती, और हमारे यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्राइब नेम है वो है डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। आप इन सब को नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी, ये जो बुक आप देख रहे हैं जो पूरे भारत में बहुत ज्यादा डिमांड इसकी है, अगर आप भी चाहते हैं इस बुक का अध्ययन करना चाहते हैं, इस बुक से इलेक्ट्रोहोमोपैथी को जानने और समझने की आपकी इच्छा है, तो हमारे फोन पे नंबर में आप सीधे अपने हमारे अकाउंट में 1650 रुपए भेज करके अपना एड्रेस, अपना पिन कोड नंबर जैसे ही हमारे पास प्राप्त होगा, हम आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये पुस्तक आपके घर तक पहुंचा देंगे। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए अभी आपको करना पड़ेगा इंतजार। तो इंतजार, इंतजार और इंतजार, लेकिन हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। अगले दिन
अगले क्लास में अगले टॉपिक पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।